राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे सबके सामने आ ही गए हैं। इस बार राजस्थान में एक बार फिर रिवाज ही कायम रहा है। बता दें कि 199 सीटों पर बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने इस बार 69 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 8 निर्दलीय सीटों पर कब्जा किया है। अब चुनाव के नतीजे तो सामने आ गए हैं और एक बार विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि परिणाम सामने आने के बाद सबको इसी चीज का इंतजार है कि कौन बनेगा राजस्थान का सीएम। आपको बताना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर नए नए नाम सामने आ रहे हैं। इसी के चलते सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद भी चुप्पी साध रखी है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार से यानी कि आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने के कारण सभी सांसद रात को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि बीजेपी जल्द ही राजस्थान के नए सीएम की घोषणा कर सकती है। राजस्थान में अगर सीएम फेस के दावेदारों की अगर बात की जाए तो आधा दर्जन के करीब नेता सीएम पद की रेस में देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दावेदार मानी जा रही है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा किरोड़ीलाल मीणा, ओम प्रकाश माथुर, प्रकाश चंद्र के नाम भी सीएम के दावेदारों के तौर पर चर्चा में हैं। इसके साथ ही बालकनाथ और दिया कुमारी को भी सीएम फेस के दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को दिल्ली भी बुलाया गया है। फाइनल फैसला तो पीएम मोदी, अमित शाह के स्तर पर होगा, लेकिन तब तक बीजेपी में अंदर खाने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें सीएम अशोक गहलोत की, तो उन्होंने अपना सीएम पद से त्याग पत्र रविवार शाम राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया है। बता दें कि गहलोत ने हार मानते हुए नई सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, यह सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे हैं। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार में आने के बाद काम ही न करे। ओपीएस चिरंजीवी सहित तमाम योजनाएं और जो विकास की रफ्तार इन 5 सालों में राजस्थान को हमने दी है, वो इसे आगे बढ़ाए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।